गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू जो 27 जून को हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मैं उन सबको आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था वो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 का अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो जाना जाता था, उस 1919 का अधिनियम के तहत दिया गया था, जिससे इस अधिनियम में ये हुआ था कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिल गया था। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है। कैबिनेट मिशन योजना यह 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में आया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। यही वो योजना है जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो ये बन जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो 1946 को, और किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, तो वह है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है संसद का प्रथम निर्वाचन कब आयोजित किया गया था। तो संसद का जो प्रथम निर्वाचन, पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो 1952 ईस्वी को हुआ था। एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि ये मेरा जो भी वीडियो मैंने अब तक बनाया है या फिर जो आगे बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसलिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो पूछा गया था, यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है। यूपी में जो यूपी टूरिज्म का जो टैगलाइन है वो है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला पूछा गया था विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो विधानसभा के अध्यक्ष वो हैं हृदय नारायण दीक्षित हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 29 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदम्य साहस का परिचय देने वाली 129 महिलाओं और बच्चों को रानी लक्ष्मी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह अदम्य साहस का परिचय देने वालों के लिए रानी लक्ष्मी वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो 29 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदम्य साहस का परिचय देने वाली महिलाओं को, 129 महिलाओं और बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। पुरस्कार के तहत 1,00,000 रुपये, अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यह है कि फेसबुक पर जो लोग हैं वो लोग मेरे इस पेज को लाइक कर सकते हैं, www.facebook.com/selfguidestudycenter। तो आप इस पर फेसबुक पर ये पेज सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, आप उसे लाइक कर देंगे और इस ग्रुप से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो भी यूपी से रिलेटेड जितने भी हैं वीडियो का एग्जाम या जूनियर असिस्टेंट या फिर युवा कल्याण जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो सभी का इस पर प्रिपरेशन किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स किरणें तथा रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरणें और रेडियो तरंगे किरणें जो हैं वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार के हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी। रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह की खोज जिन्होंने किया है वो है कार्ल लैंड स्टीनर। आइए चलिए आगे देखते हैं, वो जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कुकिंग गैस में कौन कौन से गैस होती हैं।
कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं कुकिंग गैस में, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है दोनों क्वेश्चनों पर। अगला जो क्वेश्चन है वो सोडा वाटर के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2, CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, जो कि सोडा वाटर में प्रयुक्त होता है। अगला है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब सामान्य तापमान पर गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो सामान्य तापमान पर गैस के मोल का आयतन होता है वो है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बायोलॉजी से था, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग है टिटनेस है, टाइफाइड है, प्लेग है, काली खांसी है या है। आइए आगे चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वर्णांधता क्या है। तो वर्णांधता जो है वो आनुवंशिक रोग है या आनुवंशिक बीमारी है वर्णांधता, जिसमें कि है जेनेटिक ये चलते जाती है वर्णांधता की प्रॉब्लम जो है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण वो होता है अस्थि मज्जा में। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी जो सीमा है वो है झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार से स्पर्श करती है। अगला जो पूछा गया था वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक ऐसा जिला है, मतलब एक ऐसा राज्य है ये जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिला मतलब 11 जिलों को स्पर्श करता है। आगे चलिए देखते हैं, प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी वीडियो अब तक अपलोड किए हैं उन सभी के PDF मैंने इस लिंक पर डाल दिया है, ये है sites.google.com/site/ichha-center-of-education। मैंने इस साइट पर सारे PDF डाल दिए हैं, तो आप लोगों को अगर PDF की ज़रूरत हो तो इस साइट पर जाइएगा और PDF यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए आगे, अगला पूछा गया था जो क्वेश्चन वो व्यय प्रबंधन आयोग के मुख्य अधिकारी कौन थे। तो व्यय प्रबंधक आयोग के मुख्य अधिकारी जो है डॉक्टर बिमल जालान, डॉक्टर बिमल जालान थे व्यय प्रबंधन आयोग के मुख्य अधिकारी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्स रेपो रेट निर्धारित कौन करता है। तो रिवर्स रेपो रेट निर्धारित जो करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का एक ऐसा बैंक है जो रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करता है। अगला जो पूछा गया क्वेश्चन वो है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो है 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था। भारत में गणतंत्र कहाँ के संविधान से लिया गया है। भारत में जो गणतंत्र है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था भारत का गणतंत्र। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पेज लेआउट क्या है, पेज लेआउट क्या है, क्या होता है। तो पेज लेआउट या मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट दिखाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि पेज लेआउट क्या होता है। तो यह मार्जिन हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट दिखाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ESC क्या होता है। ESC आप लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर में बाएं साइड में होता है, सबसे कॉर्नर में जो की होता है उसे ESC कहते हैं, इसे स्केप की कहते हैं। यह ऐसा की होता है जो कि एक बार में ही
कमांड को खत्म करने का कार्य करता है। मतलब इस कमांड के सहायता से आप ESC, जैसे आप कोई भी चीज खोले हुए हैं तो वो आप ESC दबा देते हैं तो वो आपका वहाँ पर बंद हो जाएगा डायरेक्ट। आइए आगे चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये ESC क्या है, ये तो हो गया। यह ऐसा की होता है, ऐसा कुंजी होता है जो कि एक बार में ही कमांड को खत्म करने का कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक तो डायरेक्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है कि फाइल में जाकर, हम फाइल मेनू में जाकर हम सेव या सेव एज को क्लिक करते हैं। और दूसरा ये ऑप्शन है कि शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S ऐसा कमांड है जिसके माध्यम से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। एक नोट है जो कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में दोहराया नहीं है, इसलिए और भी प्रश्नोत्तर के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सब जो अपलोड कर रहा हूँ वो सब नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए लोग जो हैं भी कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो कैसा लगा है मेरा वीडियो ये जरूर बताइएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, और मैंने जो फेसबुक पेज बनाया है उस पर भी लाइक करें और ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।